आज चलिए आपके लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और कौन सा है वो? डेप्रिसिएशन। कम लिखिए डेप्रिसिएशन। यह ऐसा चैप्टर है जिसकी बहुत बातें आपने पहले पढ़ रखी है, एलेवेंथ या ट्वेल्थ में, एलेवेंथ में, और वो सब बातें यहाँ पे भी है, लेकिन कुछ उससे एडवांस भी है, ठीक है ना। तो एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले ये समझिए कि डेप्रिसिएशन ना का मतलब होता है क्या। वीयर एंड टीयर, जब कोई फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स आपके दो तरह के होते हैं, कौन कौन? टेंजिबल होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं? इनटेंजिबल। टेंजिबल फिक्स एसेट्स हो या इनटेंजिबल फिक्स एसेट्स, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगता है। बात समझ गए ना। इस पे जो डेप्रिसिएशन लगता है उसको हम डेप्रिसिएशन ही कहते हैं। थोड़ी सी थ्योरेटिकल बातें बताता हूं मैं आपको, लेकिन अगर इस पे डेप्रिसिएशन लगे इसको क्या बोलते हैं? एमोर्टाइजेशन। एक और होता है, जैसे मान लो कोई टेक्नोलॉजीज है उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ऑब्सोलेंस। टेक्नोलॉजीज को भी क्या बोलते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स ही, तो उसमें अमोर्टाइजेशन भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? ऑब्सोलेंस। ओ बी एस ओ एल ई एस सी ई एन सी, ऑब्सोलेंस। बात समझ गए? ऑब्सलीट हो जाना। ऑब्सलीट वर्ड आपने सुना होगा, ऑब्सलीट से ऑब्सलेंस बना है। कई सारे टेक्नोलॉजीज आते रहते हैं, सॉफ्टवेयर्स आते रहते हैं, जब आते हैं तो धूम मचा देता है बिल्कुल, और साल भर दो साल के अंदर क्या होता है? वो ऑब्सलीट। जैसे अभी आपने कहा ना कि ये पबजी हम खेलते हैं, ये भी जिसने बनाया होगा उसके लिए क्या है? एसेट है। इसके सामने कोई नया गेम आ जाएगा तो पबजी गया। इससे पहले भी बहुत सारे गेम ऐसे होंगे ना, जैसे आपने टेंपल रन खेलते ही होंगे, उसके बाद पता नहीं क्या क्या खेलते होंगे। सी ओ सी, मुझे नहीं पता सी ओ सी क्या होता है। टेंपल रन मैंने देखा है बच्चों को खेलते हुए, वो दौड़ता रहता वही ना, खाई नदी नाले को क्रॉस करता हुआ। तो ऐसे गेम्स में भी ऐसे अदर यूजफुल सॉफ्टवेयर्स भी आते रहते हैं और जाते रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम ऑब्सोलेंस। एमोर्टाइजेशन, जैसे गुडविल है, अगर गुडविल आपकी कम हो गई तो क्या कहलाएगा? एमोर्टाइजेशन। टेक्नोलॉजी खराब हो गई, यूजलेस हो गई, तो क्या कहलाएगा? ऑब्सलीट या ऑब्सोलेंस, ठीक है ना। एक और होता है जो आप अलग से लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं डिप्लेशन। डिप्लेशन वर्ड मैं अलग से इसलिए इस्तेमाल किया, डिप्लेट कर जाना मतलब होता है ख़त्म हो जाना, खर्च हो जाना, यूज हो जाना। जैसे कोई माइंस है, माइंस में कोल भरे हुए, लेकिन क्या कोल्स हमेशा रहेंगे उसमें? धीरे 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 करके क्या करोगे आप? कोल्स उसमें से निकालते जाओगे, और उस माइंस में कोल क्या होगा? कम होता चला जाएगा, और एक दिन सारा कोल्स निकल जाएगा, तो क्या हो गया? वो 100% डिप्लेट कर गया, दैट इज कॉल्ड डिप्लेशन। ये सारे टर्म्स हैं डेप्रिसिएशन से रिलेटेड हैं, और अलग अलग जगह पर इसका यूज़ होता है, ठीक है ना। ये सारे फिक्स एसेट्स की वैल्यू को क्या करता है? कम करता है। चाहे फिक्स एसेट्स को कितना भी देखभाल करो आप, कितना भी मेंटेनेंस करो आप, एक सही समय के बाद, एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो यूजलेस हो ही जाता है, उसकी वैल्यू गिरती ही गिरती है। आपका बिल्डिंग है 50 साल चल जाएगा, लेकिन उसके बाद तो क्या होगा? टूटना ही है, दोबारा बनना ही है। तो डेप्रिसिएशन तो लगता ही लगता है। सिर्फ एक एसेट है जिस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, वो बता चुका हूँ, वो कौन सा है? लैंड। लैंड पे नहीं लगता।
अदरवाइज डेप्रिशन लगता ही है, और डेप्रिशन को हम नॉन कैश एक्सपेंस भी कहते हैं। ये सब बातें आपने जूनियर लेवल पर पढ़ रखी होगी, इसलिए ज़्यादा वक्त नहीं लगाएंगे यहाँ पे हम। नॉन कैश क्यों बोलते हैं? क्योंकि डेप्रिशन नाम की कोई ऐसी खर्च नहीं होती है जो इन कैश होती है, हमारे पॉकेट से खर्चा नहीं जाता, ठीक है ना। अब तुम्हारे घर में मान लो एक फ्रिज है, तुमने उसको 50,000 में ख़रीदा है, हर साल 5,000 5,000 उसकी वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, और 10 साल बाद वो फ्रिज क्या हो जाएगा, यूज़लेस हो जाएगा। लेकिन तुम अगर फ्रिज को देखोगे तो तुम्हारा फ्रिज एज इट इज दिखाई देगा, बस क्या होगा कि अब वो काम नहीं कर रहा अंदर से, तो वैल्यू तो गिरी उसकी। लेकिन क्या आपके पॉकेट से हर साल कोई 5,000 रुपया गया क्या? नहीं गया। तो ये क्या होते हैं? नॉन कैश एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस एक ही बार हो चुके होते हैं, बाद में उसको हम राइट ऑफ करते हैं। जब हम फ्रिज खरीदते हैं ना तो एक ही बार में सारे पैसे लग जाते हैं, और बाद में धीरे धीरे क्या करते हैं, उसको हम राइट ऑफ करते हैं। तो डेप्रिशन को नॉन कैश एक्सपेंस माना जाता है, ठीक है ना। एक तरह से प्रोविज़न मानी जाती है। प्रोविज़न क्यों? क्योंकि जो डेप्रिशन लगी है वो पैसे तो गए नहीं है, लेकिन प्रॉफिट तो कम हो गई है। फिर से बोलता हूँ, जो डेप्रिशन लगी है उससे तुम्हारे खर्चे तो हुए नहीं है, लेकिन प्रॉफिट क्या हो गई है, कम हो गई है। धीरे धीरे करके हमारे पास कैश क्या होता जाएगा, एक्यूमुलेट होता जाएगा। और जिस दिन वो एसेट 100% डेप्रिशिएट हो जाएगा, उस दिन हमारे पास सफिशियंट कैश होगा उसको क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए। मैंने कहा ना, जैसे फ्रिज का एग्जांपल लिया, आप बिजनेस में फ्रिज यूज़ करते हैं, 5,000 करके आपने हर साल डेप्रिशिएशन लगा दी, 10 साल में कितने डेप्रिशिएशन लगे, 50,000। 10 साल बाद फ्रिज आपका यूज़लेस हो गया, लेकिन आपके पास 50,000 कैश ईजिली हो जाएंगे, क्योंकि हर साल आपने कितनी प्रोविज़न बना रखी है, 5,000 की। तो फ्रिज को आप रिप्लेस कर सकते हैं डेप्रिशिएशन उस अमाउंट से, ठीक है ना। तो ये सब बात है। अब जो डेप्रिशिएशन के बारे में जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो आपका है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। हालांकि इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर भी लिख लीजिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 है जो डेप्रिशिएशन के बारे में आपको सब कुछ बताता है कि क्या रेट होना चाहिए, कैसे लगना चाहिए, क्या मीनिंग है। मतलब जितनी बातें आपसे हम कर रहे हैं सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 को ध्यान रख के ही कर रहे हैं। और इससे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 से पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था, जिसको विदड्रॉ कर लिया गया है और उसके बदले अब क्या ले आया गया है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। ये सब कुछ बताता है कि डेप्रिशन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, प्रोविज़न क्या होता है, डिप्लेशन क्या होता है, मोटाइजेशन क्या होता है, ये सारी बातें आपको यहाँ पर सिखाया जाता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इतनी ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। एक ही क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का थ्योरी, और वो जोरी नहीं कि डेप्रिशन का थ्योरी ही पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करने को है, ठीक है ना। ये बात जनरली आपने जो पहले पढ़ा है उसमें डेप्रिशन के कितने मेथड्स पढ़े हैं आपने, अभी तक आपने 2 मेथड्स पढ़े हैं, कौन कौन सा लिखिए। एक पढ़ा आपने स्ट्रेट लाइन मेथड, लिखते जाइए मेथड्स ऑफ डेप्रिशन लिखिए। मेथड्स ऑफ डेप्रिशिएशन आपने जितने मेथड्स पढ़े हैं और उसके अलावा और भी जो हो सकते हैं सारा मैं लिख देता हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि सब मेथड्स पे सवाल आने वाला है, लेकिन आपको जानकारी होना जरूरी है। लेकिन सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है जी। दूसरा लिखिए, स्ट्रेट लाइन का और भी नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड या फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, वो भी कह सकते हैं। सेकंड मेथड लिखिए, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड को और क्या कह सकते हैं, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड और रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड, एक ही बात। तीसरा लिखिए एन्यूटी मेथड।
इसके बारे में हमें पढ़ाना ही होगा। फोर्थ लिखिए डेप्रिसिएशन फंड मेथड। जिसको सिंकिंग फंड मेथड भी कहते हैं। सिंकिंग फंड मेथड भी कहते हैं। फिफ्थ लिखिए इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड। सिक्स्थ लिखिए मशीन आर रेट मेथड। मशीन आर रेट मेथड। सेवन्थ लिखिए यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और इसको क्या कहते हैं, और इसको आउटपुट मेथड भी कहते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड। उसके बाद लिखिए रिवैल्यूएशन मेथड। रिवैल्यूएशन मेथड के बाद सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। और टेंथ लिखिए ग्रॉस डेप्रिसिएशन मेथड। ग्रॉस डेप्रिसिएशन मेथड। बात समझ गए ना? लेकिन इसमें से सारे मेथड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है और सब पे क्वेश्चंस आते भी नहीं है। जिन पे आते हैं वही ट्रेडिशनल मेथड्स है। कौन कौन सा? स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट मेथड्स है। कभी कभार आपको सवाल इस पे भी पूछता है, बहुत रेयर चांस में। सिंकिंग फंड बहुत रेयर चांस है। और तो मैं नहीं जानता हूँ कोई कभी पूछा गया हो, लेकिन मैंने किसी और सब्जेक्ट में, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग में और सब जगह पे मैंने ये मेथड भी देखा है। कौन सा है? नाइन्थ, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। फिर भी मैं थोड़ा थोड़ा समझा देता हूँ आपको। सिंकिंग फंड स्ट्रेट लाइन आप जानते ही है। एन्यूटी मेथड में क्या होता है, एन्यूटी वर्ड एनुअल से निकला है। हर साल इक्वल अमाउंट हम अलग करते जाते हैं, ठीक है ना? सिंस हर साल इक्वल अमाउंट अलग करते हैं और उस अमाउंट को हम कहीं क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। अमाउंट को अलग भी कर दिए और इन्वेस्ट भी कर दिए, सो दैट कि वो पैसा क्या किया, थोड़ा सा कमा लिया, कुछ ग्रो कर गया, तो हमारे लिए फ्यूचर में क्या होगा, आसान हो जाएगा कोई भी एसेट को रिप्लेस करना। बात समझ गए? जैसे मैं कह रहा हूँ कि थ्री व्हीलर आपको आप यूज़ करते हैं, चलाते हैं, 10 साल यूज़ किए, 10 साल बाद थ्री व्हीलर ख़राब हो गया, आपको उसको खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो इससे अच्छा क्या होता, उस थ्री व्हीलर के लिए आप 5,000 रुपया महीना या साल में 60,000 रुपया क्या करते, अलग कर देते और उसको इन्वेस्ट भी कर देते। इन्वेस्ट करने से क्या होता कि वो पैसा ग्रो करता और 10 साल बाद आपके पास सफिशियंट पैसा होता जिससे कि आप अपने पुराने थ्री व्हीलर को क्या कर सकते थे, रिप्लेस कर सकते थे। दैट इज कॉल्ड एन्युटी मैथड। उसके बाद सिंकिंग फंड मैथड, ये भी एक दूसरे से मिलता जुलता ही है। सिंकिंग फंड का मतलब, सिंक मतलब क्या होता है,
सिंक मतलब डूबना, और यहाँ सिंकिंग फंड से मतलब है कि अब डिप्रेशन क्या होता है, जो डिप्रेशन एक बार लग गया है उतनी एसेट्स तो गई ना, वो एसेट तो यूज अप हो चुकी ना, तो उसको रिप्लेस करने के लिए हम सिंकिंग फंड बनाते हैं, ठीक है ना, इसको डिप्रेशन फंड मेथड भी कहते हैं। अब मुझे बताओ कि 10 साल आपका थ्री व्हीलर चलेगा, सपोज करो मैं थ्री व्हीलर का एग्जाम्पल बार बार लेता हूँ क्योंकि बहुत ही आसान है समझना उसको, ठीक है ना, 5 लाख का थ्री व्हीलर है, एक साल में कितना थ्री व्हीलर की वैल्यू गिर गई, 50,000, और वो क्या हो गई, सिंक हो गई। उसको रिप्लेस करने के लिए क्या करते हैं, हम सिंकिंग फंड बनाते हैं। मोर लेस बातें सेम ही है, हालांकि सिंकिंग फंड आप किसी अदर चैप्टर्स में अदर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे। इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, आप क्या करते हैं, इंश्योरेंस ले लेते हैं भाई, एक अमाउंट की इंश्योरेंस ले लेते हैं सो दैट कि इंश्योरेंस का पैसा मैच्योर होगा और बाद में क्या करेंगे, हम दोबारा से खरीद सकते हैं। मशीन आर रेट मेथड, आपको पता होता है कि पूरे लाइफ में मशीन कितना घंटा चलेगा, पूरे लाइफ में मशीन कितना घंटा चलेगा, उस घंटे से आप क्या करोगे, उसकी कॉस्ट को डिवाइड कर दोगे, तो पर आर क्या निकल जाएगा, डेप्रेशन निकल जाएगा, पर आर डेप्रेशन। यहाँ आपको नहीं करना है, लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आने वाले समय में कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ोगे तो वहाँ पे इसका यूज़ है, मशीन आर रेट मेथड। बात समझ गए ना, आप देखते हो ना, आप मोबाइल भी खरीदते हो तो उसमें लिखा रहता है कितना घंटा ही चलेगा, पता होता है उसमें, बैटरी खरीदते हो तो कितना घंटा ही बैटरी चलेगा, उतने घंटे बाद बैटरी क्या होंगे, यूजलेस हो जाएंगे, तो पर आर आप निकाल सकते हैं। यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन और आउटपुट मेथड, कितने यूनिट्स प्रोडक्शन करते हैं, मतलब जितनी मशीन की कॉस्ट है वो मशीन कितना प्रोडक्शन कर सकता है उससे डिवाइड कर दो, तो पर यूनिट क्या आ जाएगा, डेप्रिशन आ जाएगा। रिवैल्यूएशन मेथड, हर साल क्या करो, मशीन की रिवैल्यूएशन करो, अभी तुमने उसको परचेज करी 10 लाख की, एक साल बाद उसका रिवैल्यूएशन किया, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख, तो 2 लाख क्या हो गया, डेप्रिशिएशन। तो ये रिवैल्यूएशन आपको मशीन की क्या करनी पड़ेगी, हर साल करनी पड़ेगी, कभी ज़्यादा भी हो सकती है कभी कम भी हो सकती है। सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड, अब अगर मान लो 10 साल की मशीनरी है तो 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल एंड 10 साल, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको सम कर दो, इसको बोलते हैं क्या, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, जितने साल हैं उनके क्या करो, प्लस कर दो, तो 10 ईयर्स उसकी लाइफ है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 प्लस कर दिए, 10 तक को प्लस किए तो क्या आ गया, आपने पढ़ा होगा 55 आएगा, पूछो कैसे, 10 × 11/2, आपने पढ़ा होगा ये nth टर्म को सम करने का फॉर्मूला, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने शायद, ठीक है ना, n × n+1/2, 10 × 11/2 तो कितना हो गया, 55। अब आप क्या करोगे, पूरे कॉस्ट को 55 से डिवाइड कर दोगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 8 एंड सो ऑन। अगर ये इतना इंपॉर्टेंट चीज़ होता तो मैं आपको बताता नहीं क्या, इंपॉर्टेंट नहीं है, बस मैं आपको हल्का हल्का इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सम ऑफ डिजिट समझ गए ना, सम ऑफ ईयर्स डिजिट, एक से के 10 साल लाइफ है तो एक से लेके 10 ईयर्स को प्लस कर लो, एक से लेके 10 तक को प्लस करो तो 55 आता है। अब अगर मान लो मशीन की वैल्यू कितनी है, 55 लाख्स है, तो 55 लाख को किससे डिवाइड कर दो, 55 से, तो क्या आ गया, 1 लाख, 1 लाख × 10 कितना हो गया, 10 लाख, तो पहले साल डिप्रेशन कितना लगेगा, 10 लाख, फिर कितना, 9 लाख एंड सो ऑन। ग्रॉस डिप्रेशन मेथड, ठीक है ना, ये भी अलग मेथड, लेकिन ये सब चीज़ कोई इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। मैं कह रहा हूँ जितने भी सवाल मैं अभी आपसे करवाऊंगा ना, देखना सब में ये सवाल होगा, या स्ट्रेट लाइन मेथड, डिमिनिशिंग मेथड, ये, और एक डिप्लेशन मेथड भी है, इसमें लिखा नहीं है ना कहीं, आप लिख लो डिप्लेशन मेथड, डिप्लेशन मेथड, इसको भी लिख लो, मान गए बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, राइट। तो आइए जो इंपॉर्टेंट मेथड्स है उसके बारे में बात करते हैं, उस पर कोई सवाल करते हैं। सबसे पहला क्या लिखिए, स्ट्रेट लाइन मेथड, आपको पता है स्ट्रेट लाइन मेथड का नाम क्या क्या है, और ये फर्स्ट क्लास है तो थोड़ा सा आप स्लो के लिए तैयार रहिए, थोड़ा स्लो तो होगा ही, 1, 2, 3 क्लासेस स्लो होंगे, उसके बाद अपने आप क्या होगा, पिकअप ले लेगा। देखिए
स्ट्रेट लाइन मेथड को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, एंड क्या बोलते हैं इसको, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकाली जाती है। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है। इसमें भी दो केस होते हैं। एक केस ये होता है कि रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गिवन, आपको सवाल में क्या होगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन ऑलरेडी दे रखा होगा। जब दे रखा है तो क्या करो, उसे मल्टीप्लाई करो, डेप्रिसिएशन निकाल लो। हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट से ही मल्टीप्लाई करना है। एक होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको नहीं दिया हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में डेप्रिसिएशन इक्वल टू होगा, आपने पहले भी पढ़ रखा होगा चीज, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स इन यूज। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स इन यूज, इसको डिवाइड कर दो तो क्या जाएगा, पर ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। कब इस्तेमाल करेंगे, जब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आपको ना दिया हो, दिया हो तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है। मान गए, मान गए ना, मानना ही पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। अभी यहां तक लिख लिया, कुछ इंपॉर्टेंट बातें पहले सीखना जरूरी था ना, उसके बाद सवाल कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अब लिखिए, एक बार जान लो, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करते हैं हम, जब से मशीनरी परचेज किया तब से नहीं, डेप्रिसिएशन कब से चार्ज करते हैं नहीं, डेप्रिसिएशन तब से चार्ज करते हैं जब से मशीनरी को यूज करना शुरू किया, पुट टू यूज, ठीक है ना। ये भी कहीं लिख लीजिए, डेप्रिसिएशन, ठीक है ना, स्टार्ट्स चार्जिंग नॉट From the date of purchase of assets, rather from the date of, from the date of kya put टू यूज, पुट टू यूज ऑफ द एसेट, जब से आपने पुट टू यूज किया तब से डेप्रिसिएशन लगाएंगे। मान गए। एक बात और, ये सब बात लिखने की जरूरत नहीं है, मैं समझाता हूँ। अगर एसेट आपने परचेज किया तो परचेज करके आपके प्लेस तक उसको लाने में जो कॉस्ट लगी होगी वो भी एसेट के कॉस्ट में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। उसको इंस्टॉल करने का कॉस्ट भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा। एक बार यूज करना स्टार्ट किया उससे पहले तक की सारी कॉस्ट क्या होगी उसमें, ऐड। मान गए। लेकिन जैसे ही एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया उसके बाद उसमें कुछ खर्चा होगा तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस होगा, उसको मशीनरी के कॉस्ट में प्लस नहीं कर सकते, वो अलग रहेगा। हाँ, लेकिन यूज़ करने से पहले जो कॉस्ट लगेगा सारा क्या होगा, प्लस होगा। ये बात तो आपने पहले से पढ़ रखा होगा, पढ़ा हुआ नहीं, पढ़ा हुआ है, ठीक है। दूसरी बात,
अगर कोई आप सेकेंड हैंड मशीनरी परचेज करते हैं, क्या परचेज करते हैं? सेकेंड हैंड मशीनरी, और उस मशीनरी को परचेज करने के बाद यूज़ करने से पहले, परचेज करने के बाद एंड यूज़ करने से पहले क्या करते हैं उसमें आप? उसका ओवरऑलिंग करते हैं, उसका रिपेयर करते हैं, उसको ठीक ठाक करते हैं, उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, जो भी जो यूज़फुल चीज़ है सब करते हैं, उसको यूजबल बनाते हैं। वो सारे खर्चे मशीनरी की कॉस्ट में क्या होंगे? प्लस होंगे, क्योंकि आपने सेकेंड हैंड परचेज किया है, आप उसके फर्स्ट अभी ठीक है ना, तो बात समझ गए। उसके बाद आप क्या करते हैं? उसको यूज़ करते हैं। तो जितने भी खर्च आपके लगे वो सारे खर्च टुगेदर उस मशीनरी में जुड़ जाएंगे, सेकेंड हैंड मशीनरी में जुड़ जाएंगे। जैसे मान लो तुमने सेकेंड हैंड मशीनरी 2 लाख की परचेज़ की और तुम्हें 50,000 रुपये लग गया उसको यूजबल बनाने के लिए, तो मान लो कितने का परचेज़ किया? 2.5 लाख। उसके बाद अगर एक बार भी कभी ख़राब हुआ बाद में, उसमें रिपेयर लगा, तो वो फिर ऐड नहीं होगा। एक बार पुट टू यूज़ हो गया, उसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस में चला जाएगा, सारा खर्चा चला जाएगा। समझ गए? तो डेप्रिसिएशन कहाँ से लगेगा? पुट टू यूज़ से। पुट टू यूज़ के सारे पहले सारे खर्चे क्या होंगे? मशीनरी की कॉस्ट में ऐड होंगे, उसके बाद के नहीं ऐड होंगे। मान गए? यहाँ तक बात होगी क्लियर आपकी? तो अब क्या है कि डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट किस तरह का है, थोड़ा बहुत लिख लीजिए। डेप्रिसिएशन को हम क्या मानते हैं? डेप्रिसिएशन को मानते हैं नॉमिनल अकाउंट, और ये क्या होता है? एक्सपेंडिचर, और ये क्या होगा? डेबिट। डेप्रिसिएशन नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंडिचर है, भले ही नॉन कैश है लेकिन है तो सही, और क्या होगा? डेबिट। और इसकी एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन डेबिट होगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू व्हाट? जो भी एसेट्स होगा, एसेट्स की वैल्यू को कम करेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट लिख लिया ना। और बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे हम? पीएनएल अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। साल के आखिरी में इस डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू। इतना बेसिक्स में सिखा रहा हूं आपको, देखो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एसेट्स की वैल्यू भी कम हो गई और हमारा प्रॉफिट लॉस भी क्या हो गया? कम हो गया। ये इसका फर्स्ट मेथड था। सेकेंड मेथड ये भी हो सकता है, ये मैं और बात कर रहा हूं, ये सेकेंड मेथड है, समझ गया ना? दोनों में से कोई एक भी एक ही यूज़ कर सकते हैं आप। आप डेप्रिसिएशन को डेबिट तो करोगे लेकिन क्रेडिट किसको करोगे? आप एसेट को नहीं करोगे, किसको करोगे? टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, मान गए ना? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। और फिर डेप्रिसिएशन को कहाँ ट्रांसफर कर दोगे? पीएनएल में। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर यहां पे आपके दिमाग में एक बात आएगी कि सर यहाँ पर तो डेप्रिसिएशन को हमने डेबिट तो किया लेकिन एसेट्स को क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू तो कम नहीं हुई। ऑफ कोर्स नहीं हुई, इस मेथड में एसेट्स की वैल्यू कम नहीं होती है, एसेट्स ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रहता है। लेकिन जो उसकी वैल्यू कम हुई होती है वो कहाँ दिख रहा होता है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में। कभी भी अगर आप बुक वैल्यू निकालना चाहोगे, एसेट्स की बुक वैल्यू निकालना चाहोगे, देखो देखो पहली बात बताता हूँ कि फर्स्ट मेथड में आपको बुक वैल्यू निकालना नहीं पड़ेगा। पूछो क्यों?
क्योंकि वहाँ एसेट्स की वैल्यू हर साल अपने आप क्या होती जाती है, कम होती जाती है, अब वही उसकी बुक वैल्यू है। लेकिन इस केस में क्या होगा, ओरिजिनल कॉस्ट दिया हुआ एसेट का, उसमें से क्या माइनस करोगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तब जाके क्या मिलेगा आपको, बुक वैल्यू। जब भी कभी बुक वैल्यू निकालना होगा तो ओरिजिनल कॉस्ट में से प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, तब जा करके बुक वैल्यू आपको मिलेगा। मान गए बात यहाँ तक, पक्की बात, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब बताइए सर, जितनी छोटी छोटी बातें थी सब तो आपने कर दिया, जहाँ तक सवाल है ये एंट्री का, ये एंट्री हर साल रिपीट करेगा, ये दो एंट्री हर साल आएंगे, हर साल आएंगे, और जब इसका हम लेज़र बनाएंगे तो आपको सिखाएंगे। अब कुछ क्वेश्चंस करने का आ गया है। सबसे पहला क्वेश्चन इसका बेहद ही आसान है, ये कह रहा है क्या, यही दो एंट्री हर साल पास करो, मशीनरी टू बैंक, मशीनरी पहले परचेज किया है तो मशीनरी टू बैंक, फिर उसमें लास्ट में क्या क्या डिप्रेशन लगाया, तीन में ट्रांसफ़र किया, तो ये तो आप खुद ट्राई करेंगे। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो उसमें क्या होता है, सेम होता है, अगर डब्ल्यू डी बी हो तो क्या होगा। मैंने आपको मेथड्स के बारे में सिखाना शुरू किया था पिछले पेज पे, स्ट्रेट लाइन, लेकिन स्ट्रेट लाइन के बाद मैंने डिमिनिशिंग सिखाया नहीं और कुछ बीच में बातें और होने लगी, तो मैं यहाँ डिमिनिशिंग सिखा देता हूँ आपको। देखिए दूसरा मेथड क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड लिखो इसको, लिख लिया यहाँ तक। उसके बाद देखो डिमिनिशिंग बैलेंस में क्या होता है, मान लीजिए आपकी मशीनरी की वैल्यू कितनी है, 1,00,000 है, लेस करो डेप्रिसिएशन, सपोज कर लो 10%, 10,000, तो आप कितनी वैल्यू बची, अगले साल डेप्रिसिएशन कितना लगाओगे, इस 90,000 का 10% 9,000, और कितना बचेगा सिर्फ 81,000, एंड सो ऑन। जो वैल्यू घट गई है, जो कम हो गई है, उस वैल्यू पे डिप्रेशन लगाते हैं, उसके अगले साल डिप्रेशन लगाना हो तो -8100 एंड सो ऑन, कितनी वैल्यू आएगी है 72,000, फिर लगानी हो तो 7290 एंड सो ऑन। इसको डिमिनिशिंग बैलेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो घटता हुआ बैलेंस है उसके ऊपर क्या कर रहे हैं, हम डिप्रेशन लगा रहे हैं, और डिप्रेशन की वैल्यू भी क्या होती जा रही है, काम होती जा रही है। मान गए, ठीक है। मैं जानता हूँ कि आपके इतने बुरे दिन नहीं है कि आपको ये सब भी पता नहीं होगा, पता तो है ही, लेकिन फिर भी कई बच्चे होते हैं जो भूल जाते हैं, कई बच्चे होते हैं साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स में आते हैं तो उनके लिए, और कई बच्चे भूल भी जाते हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा, बहुत ही बेसिक्स बात है। हालाँकि ये आप उम्मीद मत करना कि ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। एक थ्योरी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या डिफरेंस है, ये आप कर लीजिएगा खुद से, इसको मुझे नहीं करना है। ठीक है, ठीक है ना। एक मेथड से डिस्क्राइब किया है, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड, इस पे सवाल तो आते नहीं हैं लेकिन फिर भी बता दूं, यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन मेथड क्या होता है, एक मशीनरी ने जितना यूनिट्स प्रोड्यूस किया लाइफ टाइम में उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब आप कहोगे कहाँ पता है सर कि पूरे लाइफ टाइम में कितना यूनिट प्रोड्यूस करेगा, अनुमान लगा लो, एस्टिमेट कर लो कि मशीनरी की कॉस्ट है 20,00,000 और पूरे लाइफ में वो 10,00,000 यूनिट बनाएगा, तो पर यूनिट डिप्रेशन कितनी हो गई, 2 रुपये की हो गई। ठीक है बच्चों, आइए देखिए,
अब आइए आपके लिए एक अच्छा सवाल स्टार्ट करते हैं और वो देखते हैं कौन सा है। ये सवाल आप इग्नोर कर दीजिएगा, यहाँ से स्टार्ट कीजिए आप। सबसे पहला सवाल देखिए फिफ्थ, यहाँ पे पढ़िए सवाल फिफ्थ आप। डेवा प्रिंटर्स लिमिटेड परचेज अ प्रिंटिंग मशीन, पढ़िए। डेवा प्रिंटर्स लिमिटेड है आपके पास सवाल, अभी सवाल पढ़िए। पढ़िए एक बार सवाल को। तो बच्चों आपको सवाल नहीं मिला, कोई बात नहीं, सवाल फिर भी देखिए आप, मैं करवाता हूँ आपको सवाल ना। इंट्रोडक्टरी सवाल है, देखिए क्या है। सवाल ये कहता है कि देवा प्रिंटर्स लिमिटेड परचेज्ड अ प्रिंटिंग मशीन ऑन 1/4/1998 फॉर यूजिंग इट फॉर 5 ईयर्स। इट्स कॉस्ट वॉज 86,000 but insurance paid on it and its carrying cost amounted to is what 7,000। अभी कुछ देर पहले क्या कहा था कि मशीनरी को जब तुम खरीद के लाते हो तो उसके लिए तुम्हें जो भी और कॉस्ट पे करना पड़ता है, जैसे मशीनरी पे क्या पे किया आपने, इंश्योरेंस। कहोगे सर इंश्योरेंस क्यों, अगर मशीनरी टूट गई, आग लग गई, कुछ भी हुआ तो उसमें क्या होता है, इंश्योरेंस कंपनी से आपकी रिकवरी हो जाती है, तो ये भी इसकी कॉस्ट को बढ़ाएगा। एंड साथ साथ आपने इंश्योरेंस ही पे नहीं किया है, उसको कैरी भी किया है, तो उसके लिए कितना पे किया आपने, 7,000 प्लस 2,000 रेस्पेक्टिवली, तो उससे भी कॉस्ट उसकी बढ़ गई। आगे है, देवा प्रिंटर्स ऑल्सो एस्टिमेटेड अ टोटल एक्सपेंस ऑफ 25,000 ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिपेयर ओवर इट्स लाइफ। पूरे लाइफ टाइम में रिपेयर में कितना खर्चा लगने वाला है आपका, ये आपने आज ही डिसाइड कर लिया है। ऐसा मत समझना कि बाद में खर्चा हुआ है, पहले ही आपने मान लिया है इतना खर्चा, ये सब पहले का कॉस्ट है, ठीक है ना। स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन वॉज एस्टिमेटेड टू बी वॉट 5,000, बाद में उसकी कितनी स्क्रैप वैल्यू होगी 5,000। तो पहले देखिए एनुअल रिपेयर्स वर 2013-14 में क्या हुआ है, कोई भी रिपेयर नहीं। 14-15 में 4,000, लेकिन मैंने क्या कहा, एक बार जब मशीन को आपने इंस्टॉल कर दिया उसके बाद जो भी रिपेयर होता है उसको क्या करते हैं आप, इग्नोर करते हैं, उसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सारी कॉस्ट तो आपने पहले ही क्या कर रखा है, प्लस कर रखा है और उसमें से डेप्रिशन माइनस कर रखा है, ठीक है ना। देखिए मशीन वॉज सोल्ड फॉर 4,800, शो द नेसेसरी अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डेवा प्रिंटर्स लिमिटेड ओवर दीज ईयर्स। चलिए मैं कुछ बातें पहले लिखता हूँ फिर मैं कराऊंगा आपको, आपने समझ गया सवाल ना। देखिए पहले लिखो, सबसे पहले लिखो उसमें कितनी उसकी कॉस्ट लगी है। ये सवाल नंबर लिख दे तो मैं आपको, पेज नंबर क्या 8.27 और ये इलस्ट्रेशन नंबर आपका है 5, ठीक है जी। और लिखिए आप
टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी मशीन की आपकी? टोटल कॉस्ट ऑफ द मशीन, प्रिंटिंग मशीन, ठीक है ना, कितनी पड़ गई बताइए? 86,000 तो उसकी कॉस्ट थी ही ना। उसके बाद आपने 7,000 रुपये का इंश्योरेंस लगाया, फिर आपने 2,000 रुपये क्या लगाया, रिपेयर लगाया, और फिर आपने 25,000 रुपये की और इसमें प्रोविजंस की है कि आने वाले टाइम इसमें खर्चा हो सकता है, इसकी कॉस्ट बढ़ाई है। कितनी? 25,000 है। जो भी कॉस्ट किया पहले ही एडजस्ट कर लिया आपने, ठीक है ना, ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रिपेयर ओवर इट्स लाइफ। तो बताइए कितना कॉस्ट हो गया इसका, सबको प्लस करो। 7, 2, 9, 9, 6, 15, 40, 1,20,000, 1,20,000 आया। अब इसमें तुम्हें डेप्रिशन निकालना है, क्या रेट ऑफ डेप्रिशन दे रखा है इस सवाल में? नहीं दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, 1,20,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू, कितनी स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इयर्स कितना है, बोलो ना, 5 है। तो बताओ कितना हो गया बच्चे, 1,20,000 माइनस 5,000 डिवाइड बाय 5, 1,15,000 डिवाइड बाय 5, दो कितना आया, 23,000 डिप्रिशन लगा, मान गए ना। अब ये सवाल ये कहता है, क्या बनाने के लिए कहता है, देखो, शो द नेसेसरी अकाउंट्स इन द बुक ऑफ देवा प्रिंटर्स लिमिटेड ओवर द ईयर्स, इतने सालों का अकाउंट्स बनाओ। और सवाल ने आपको ये टाइप ऑफ सवाल में लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशंस एंड रिपेयर्स, आपको रिपेयर्स एंड डेप्रिशन बनाना है, ठीक है। देखो इसमें अकाउंट बनाने के लिए, क्योंकि टाइप ऑफ सवाल है ना, कि सवाल ने नहीं कहा कि प्रोविजन फॉर डेप्रिशन बनाओ, लेकिन ये आपका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, तो इसने कॉन्सेप्ट के अंदर लिख रखा है कि प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड डेप्रिशन अकाउंट बनाओ। आप मुझसे कहोगे सर अभी तक तो हम प्रोविजन फॉर डिप्रेशन अकाउंट सुन रखे हैं, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स भी क्यों कर रहे हो आप इसको? क्योंकि रिपेयर आपने क्या किया है, पहले ही प्लस कर दिया, रिपेयर आपने पहले ही प्लस कर दिया, ठीक है ना, बात समझ गए, समझ गए। तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, बनाओ इन द बुक ऑफ देवा लिमिटेड, क्या बनाओगे, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट, मान गए। इसमें सबसे पहला कॉलम क्या बनाओगे, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स एन अमाउंट। अब देखो, अब आपके दिमाग में एक बात आती होगी, सर प्रोविजन फॉर डेप्रिशन तो ठीक है, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड डेप्रिशन क्यों है? आपने आज तक किसी भी सवाल में रिपेयर को पहले प्लस होते हुए नहीं देखा होगा, देखा है क्या आज तक, कि रिपेयर जब होता है तब होता है, हम पहले से कैसे अनुमान लगा लेंगे कि रिपेयर इतना होने वाला है, इतनी मेंटेनेंस होने वाली है? लेकिन अगर हम पहले से अनुमान लगा लेते हैं और उसको प्लस कर देते हैं, तो अब मुझे प्रोविजन्स फॉर डेप्रिशन सिर्फ नहीं बनाना पड़ता, किसके लिए क्या बनाना पड़ता है, प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड डेप्रिसिएशन। लेकिन जनरली ऐसा केस आपको आएगा नहीं, ये पहला बेसिक सवाल है तो मैं इसमें करा रहा हूँ आपको, बात समझ गए ना। बताइए आप सबसे पहले कौन सी डेट आपने परचेज़ किया, 1498 को, या 98 मिस्टेक से लिखा हुआ है क्योंकि बाद में फिर 13-14 भी कर दिया है, तो 1-4 क्या मान लें इसको, हम 13 मान लें, ये 1-4-13 मान लेता हूँ, आप अपने हिसाब में भी इसके हिसाब से कर लीजिएगा आप, 1-4-2013।
तो मैंने 1/4/2013 को परचेज़ किया है, तो सबसे पहला डिप्रेशन कब लगा होगा? 31 मार्च 2014 को, नहीं लगता है? 1/4/2013 को परचेज़ करो मशीनरी को, तो पहला डिप्रेशन कब लगाओगे? 31 मार्च 2014 को। हालांकि ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका बुक्स अब अकाउंट कब क्लोज हो रहा है। नहीं दिया हुआ है तो आप मान सकते हैं कब क्लोज हो रहा है, 31 मार्च को। अगर आप 31 दिसंबर मानेंगे तो भी चलेगा, लेकिन फिर उसके हिसाब से कैलकुलेशंस में बदलाव करने पड़ेंगे। 1 अप्रैल को परचेज किया है और दिसंबर में डिप्रेशन लगाओगे तो पहले साल में डिप्रेशन क्या लगेगा? सिर्फ 9 मंथ्स का। लेकिन ये बहुत ही इलस्ट्रेटिव सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, यहाँ पे इस चक्कर में मत पड़ो। 1/4 को परचेज़ किया और अब क्या मान लो, 31 मार्च को साल ख़त्म होगा। डिप्रेशन लगाई, पहले साल का डिप्रेशन कितना हो गया? बाय डिप्रेशन कितना? 23,000। और जानते हैं जब प्रोविजन का सवाल बनता है तो 31 मार्च 2014 को क्या करेंगे, उसको टू बैलेंस कैरी डाउन कितना? 23,000। ये कितना होगा? 23,000। मान गए 23,000 एंड 23,000। अगली बार क्या करेंगे, इसकी बैलेंस निकालो, फिर क्या होगा? 1/4/14 यहाँ क्या होगा? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 23,000। फिर यहाँ क्या लिखोगे? बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना डेप्रिसिएशन फिर से होगा इस बार? बुक ने यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन के बदले में क्या लिख रखा है पता है? बाय पीएनएल। तो बात एक नहीं है क्या? एक ही बात है, मैं बाय डेप्रिसिएशन यहाँ लिखता हूँ तो बाद में डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र करूँगा? पीएनएल में। उसने पहले ही ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन उनको थोड़ी बच्चों को जवाब देना होता है, जवाब मुझे देना होता है। अगर मैं यहाँ बाय पीएनएल लिखता ना तो आप पूछते सर क्यों, लेकिन मैंने बाय डेप्रिसिएशन लिखा था, आपने नहीं पूछा ये चीज़। ये बात और है कि बाय पीएनएल भी सही है, क्योंकि अल्टीमेटली डेप्रिसिएशन कहाँ ट्रांसफ़र होगा? पीएनएल में। तो ये कितना हो जाएगा? 46,000। ये भी कितना होगा? 46,000। ये डेट होगा क्या आपका? 31 मार्च 2015 टू बैलेंस सीडी कितना? 46,000 टू बैलेंस सीडी 46,000। मान गए? अब यहाँ क्या करोगे? 1/4/15 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 46,000 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 46,000। फिर इसका डेप्रिसिएशन लगाओ, बाय डेप्रिसिएशन कितना? 23,000। लेकिन एक बात और है, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये मैंने बैलेंस का 46,000 तो कर दिया, लेकिन 13/14 में तो नहीं, 13/14 में नहीं, लेकिन 14/15 में कुछ रिपेयर का खर्चा भी दिख रहा है, कुछ रिपेयर का खर्चा भी दिख रहा है। कितना दिख रहा है? 4,000, ठीक है ना? और रिपेयर की सारी अमाउंट तो आपने पहले ही यहाँ प्लस कर दिया ना, कहाँ प्लस कर दिया है? तो अब रिपेयर को तुम अलग से नहीं दिखा सकते। अभी तक आपने क्या सीखा कि सर सारा का सारा रिपेयर कहाँ ट्रांसफ़र करना होता है? पीएनएल अकाउंट में। लेकिन अब तुम पीएनएल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि तुमने रिपेयर को एक साथ लमसम करके कहाँ प्लस कर दिया है? इसमें प्लस कर दिया और इसके थ्रू यहाँ आ चुका है। तो यहाँ पर तुम्हें टू रिपेयर भी करना पड़ेगा। एडजस्ट कितना बताओ? 4,000। अब फिर इसका बैलेंस शीट कितना बचेगा? 42,000। और फिर पीडी कितना बचेगा?
क्योंकि जो भी रिपेयर होगा उसका एडजस्टमेंट अब इसी अकाउंट से होगा। क्यों होगा इस अकाउंट से? क्योंकि 23,000 ऑलरेडी रिपेयर भी इंक्लूड करता है, नहीं करता है क्या? अब इसको, इस रिपेयर को हम डायरेक्टली पीएनएल में नहीं ले आ सकते, यहीं से एडजस्ट करेंगे इसको। भाई जिसका तुमने प्रोविजन बना ली है उस खर्चा को तुम प्रोविजन से ही माइनस करोगे ना? ओह, जिसका तुमने एक बार प्रोविजन बना लिया है उसको कहाँ से माइनस करोगे? उसी प्रोविजन से माइनस करोगे, अदरवाइज डबल डबल नहीं हो जाएगा? एक बार पीएनएल को माइनस किया फिर दोबारा पीएनएल को माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। बात समझ गए? मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लीजिए कि आपके पिताजी क्या करते हैं कि एक बार 10,000 रुपीज़ मंथली आपके मदर को दे देते हैं कि आपको जो खर्चा करना है यहाँ से करना है, तो क्या उसके बाद उनको अगर कोई खर्चा घर में बनता है तो वो उसी से करेंगी या फिर दोबारा जाके पॉकेट मारेंगी, मतलब आई एम सॉरी, मतलब दोबारा अपने घर का पैसा कहीं और से निकालेंगी? भाई विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि सब पॉकेट ही मारना होता है, उल्टा भी ले सकते हो आप, वाइफ कमाती है हस्बैंड ही पॉकेट मारता होगा, नहीं समझे आपको? नहीं 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 कर सकते ऐसा, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी क्या है? प्रोविजन्स है, 10,000 रुपीज़ उनको दे दिया गया है। अगर उस 10,000 रुपीज़ में काम ना चले तो फिर वो चीख सकती है, तब वो चिल्ला सकती है, तब जो हरकतें हैं वो तो करती ही है अल्टीमेटली मान लो। लेकिन जब तक 10,000 रुपया उनके पास है तब तक उनका ये नहीं बनता है कि तुम कुछ और पैसे कहीं से निकालो, क्योंकि प्रोविजन आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। समझ गए? तो प्रॉफिट लॉस में एक बार मैंने 25,000 रुपया प्लस कर दिया, देखो ना यहाँ पे, सॉरी इसमें, और ये 25,000 रुपया प्लस किया है तो 25,000 प्लस करने से वैल्यू कितनी हो गई? 120 हो गई है। तो उसके बाद डिप्रेशन 23,000 का हो गया है। अगर मैं 25,000 प्लस नहीं किया होता तो ये 23,000 का नहीं होता। इसका मतलब इसमें ऑलरेडी क्या है? रिपेयर इंक्लूड है, और ये ऑलरेडी प्रॉफिट लॉस को कम कर चुका है, क्योंकि डिप्रेशन ऑलरेडी कहाँ जाएगा? प्रॉफिट लॉस अकाउंट में जाएगा। तो इस परिस्थिति में आगे चल के कोई रिपेयर का खर्चा होगा तो उस खर्चे को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में नहीं ले जाएंगे, उसको यहीं से क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। बात समझ गए? देखिए तो अल्टीमेटली अब यहाँ क्या फिर से हो गया 23,000। अब बताओ कितना बैलेंस होगा यहाँ पे? अब देखो इस साल कोई रिपेयर हुआ है क्या? सर हुआ है। कितना रिपेयर हुआ है? रिपेयर हुआ है 6,000। तो फिर कितना बैलेंस सीडी बचा? 65,000 में से 6,000 को माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 59,000। क्या बचेगा? 59,000। बचेगा यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,416 बाय बैलेंस बीडी कितना? 59,000 एंड सो ऑन। इसको कंटिन्यू करना, आप समझ रहे हो? समझ रहे हो? इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मान गए? एंड सो ऑन इसको कंटिन्यू कर सकते हैं ना, राइट? अब क्या करना? अगली बार 59,000, फिर से डिप्रेशन कितना लगा? 23,000। उस बार रिपेयर कितना हुआ? 7,000 माइनस कर दो, डेबिट कर दो, फिर सीडी बजेगा 75,000, फिर 23,000 प्लस करना है। अब फिर रिपेयर कितना है? 8,000, ठीक है ना? चलिए मैं कंटिन्यू कर ही देता हूँ, एक बार समझ लीजिए। बताइए अगले साल क्या होगा? 31 मार्च 17 को क्या कहोगे आप? सर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, आज ये अकाउंट तो कम से कम कंप्लीट कर देते हैं, कितना बचेगा? 23,000 डेप्रिसिएशन आएगा। और फिर इस साल रिपेयर कितना हुआ है? 31 मार्च 17 को टू रिपेयर कितना हुआ है बताओ? 7,000। अब इसको प्लस करो कितना आ गया? 82,000। यहाँ भी 82,000, 7,000 माइनस कर दो, 75,000 क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी, ठीक है जी। लास्ट ईयर भी कर ही लेते हैं, और मुझे पता है कि ये सवाल बेसिक तो था लेकिन बहुत बातें आपको सिखा जाएगा, बहुत बातें सिखा जाएगा, इसीलिए
मैं कहता हूँ थोड़ा सा वेट कीजिए भाई, सिलेबस तो मुझे कराना है ना, आपको किस बात का टेंशन है? हाँ बस सीखते रहिए आप। आपने देखा अभी हायर परचेज पढ़ाया आपको, तो कितने क्लासेस शुरू में धीरे चला, लेकिन बाद में क्या हुआ, अल्टीमेटली 8 क्लासेस में कंप्लीट हो गया। शुरुआत में थोड़ा स्लो रहेगा, फिर बाद में ठीक हो जाएगा अपने आप। अब बताइए क्या करेंगे यहाँ पे आप, कंटिन्यू कीजिए उसको। आपका कितना सीडी आ चुका था? 75,000। तो 1/4/17 को फिर क्या आ जाएगा, कितना आया था? 75 ही आया था ना, तो क्यों परेशान कर रहे हो मुझे फिर? 75,000 इस साल, फिर 31 मार्च 2018 को कितना डिप्रेशन लगाओगे? 23,000। और ये वैल्यू कितनी जाएगी? 98,000। उसके बाद इस बार कितना रिपेयर हुआ है? 2 रिपेयर कितना हुआ है? 8,000 का इस बार रिपेयर खर्चा 8,000 है। तो अब जो बच गया उसको सीडी नहीं करेंगे हम, पूछो क्यों नहीं करेंगे? अभी आखिरी साल है, अब ये लास्ट ईयर है, अब इस अकाउंट को क्लोज करना होगा, और क्लोज करते वक्त कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको हम? मशीनरी अकाउंट में। कितना? 90,000। जो भी आपने प्रोविजन बनाई है उस प्रोविजन का नाम क्या है? रिपेयर एंड प्रोविजन फॉर डिप्रेशंस। तो इस अमाउंट को या तो रिपेयर में ट्रांसफ़र होना होगा, और या कहाँ ट्रांसफ़र होना होगा? मशीनरी में, क्योंकि बनाया ही प्रोविजन उसके लिए आपने। तो रिपेयर में तो हर साल हम ट्रांसफ़र करते चले गए जितना जितना रिपेयर हुआ है, ठीक है ना, लेकिन लास्ट में जो बचेगा कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? मशीनरी अकाउंट में। और मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफ़र करके क्या होगा और रिपेयर अकाउंट का क्या होगा, ये बातें अगर आज हम करेंगे तो क्या होगा, काफ़ी वक्त लग जाएगा, क्योंकि बहुत बातें हो चुकी है। 57 मिनट्स समथिंग की क्लासेस आपकी हो चुकी है, और हम खत्म, अगर हम स्टार्ट भी कर देंगे तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, 10-15 मिनट लगेगा इसको बताने में। तो मैं सोचता हूँ कि इससे आगे मैं अगली क्लास बताऊँ, जहाँ पर मशीनरी अकाउंट एंड रिपेयर अकाउंट में क्या होगा ये सिखाऊँ, ठीक है ना। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, आपने प्रोविजन फॉर डिप्रेशन तो बहुत सुना है, लेकिन आज क्या हुआ है? प्रोविजन फॉर रिपेयर एंड डिप्रेशन, ये एक साथ हुआ है। रिपेयर की अमाउंट भी एस्टिमेट कर ली गई है, और जो बाद में एक्चुअल रिपेयर हुआ उसको वहाँ से क्या किया गया? एडजस्ट कर दिया गया। और जो बाद में प्रोविजन फॉर डिप्रेशन बचेगा उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? मशीनरी अकाउंट में। इतनी सी बात के साथ मैं आप सबों को हैप्पी होली कहना चाहता हूँ, ठीक है ना, आपको और आपके पूरे परिवार को होली मुबारक हो, हैप्पी होली, होली की ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप खूब रंग खेलिए, खूब एंजॉय कीजिए, पानी बचाने की चिंता मत कीजिए, पानी बचाने के लिए 364 दिन है, उस दिन बचाइए आप, लेकिन उस दिन रंग खेलिए, ठीक है ना। लेकिन मेरा मतलब ये नहीं कि पानी को आप ऐसे बर्बाद कीजिए, लेकिन पानी के बहाना बना के ऐसा मत कीजिए कि रंग भी मत खेलिए। 364 दिन पानी बचा सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हम लोग, लेकिन उस दिन रंग जरूर खेलना है, ठीक है ना। टेक केयर, बाय बाय, सी यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।